इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अभी जो एक अपडेट मिला है अकाउंट अपग्रेडेशन का। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अकाउंट अपग्रेडेशन कैसे कर पाएंगे। आपको वो अभी तक फीचर ऐड नहीं हुआ है, फीचर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में नहीं मिला है, तो आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना होगा प्ले स्टोर में जाकर। तो मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ, तो हमें अकाउंट अपग्रेडेशन का एक बेनिफिट मिला है, फीचर ऐड हुआ है। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, आपको कैसे अकाउंट अपग्रेडेशन करना होगा, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आपको अकाउंट ऑपरेशन करना होगा, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपको इसमें सक्सेसफुली लॉगिन कर लेना होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, उसके बाद आपके यहाँ थ्री लाइन पर कोने पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको एक अकाउंट अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस अकाउंट अपग्रेडेशन पर क्लिक कर देना होगा। जिससे कि अकाउंट अपग्रेडेशन का माने होता है आपके पास पहले से जो छोटा सा बैंक अकाउंट है उसमें कम लेन देन करते हैं, जब अपना जो अकाउंट अपग्रेडेशन करते हैं तो आपका जो उस बड़े बैंक अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और आप अपना जो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन कर पाएंगे। यही आपको अंतर होता है जो रेगुलर सेविंग अकाउंट और प्रीमियम सेविंग अकाउंट में, सेम आपको यही जो अंतर होता है। और आपको आपको अकाउंट अपग्रेड कीजिएगा तो आपका बड़ा अकाउंट हो जाएगा, और जो रेगुलर सेविंग अकाउंट ये छोटा अकाउंट है, जैसे कि लेन देन इसमें कम कर पाएंगे और प्रीमियम सेविंग अकाउंट में जो ज़्यादा लेन देन कर पाएंगे। और इसमें क्या क्या करना होगा, कैसे आपको जो इसे प्रीमियम सेविंग अकाउंट में करना होगा, प्रीमियम सेविंग अकाउंट में करने में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, यहाँ सबसे पहले आपको जिसमें प्रीमियम अकाउंट चार्जेस, जैसे आप फर्स्ट टाइम जो इसमें कन्वर्ट करेंगे प्रीमियम सेविंग अकाउंट में, पहले से आपका रेगुलर सेविंग अकाउंट है और प्रीमियम सेविंग अकाउंट में फर्स्ट टाइम कन्वर्ट करते हैं, तो आपको 149 रुपया प्लस GST मिलाकर 175 रुपया टोटल आपको बैंक अकाउंट से पे करना होगा, जो कि आप टर्म एंड कंडीशन टिक कीजिएगा दोनों को और यहाँ कन्फर्म भी कीजिएगा। उसके बाद पिन वगैरह डाल के अपना अकाउंट अपग्रेड होगा, तो आपके अकाउंट से आपको जो 175 रुपये कट जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ देख सकते हैं 210 रुपये मेरे अकाउंट में, तभी वेबसाइट खुल चुका है, खुला है, वरना आपके जो अकाउंट में 100 रुपये 150 रुपये रहेगा तो आपको इस जो पेज तक आप नहीं आ पाएंगे। इनसफिशिएंट फंड ऐसे करके आपको कुछ एरर मिलेगा, तो आप देख सकते हैं आपको एक एनुअल चार्ज इसमें देना पड़ेगा, जो बताया गया है कि IPV वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ डिटेल आप जान सकते हैं। तो इसे आप अपना अकाउंट अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से कन्फर्म में क्लिक करके जो अपना अकाउंट अपग्रेड कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अकाउंट अपग्रेडेशन के क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वेबसाइट पर आपको लेकर चलता हूँ। तो जैसे देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो वेबसाइट पर आ चुके हैं, इसमें प्रीमियम अकाउंट के बारे में बताया जा रहा है कि आप अपना जो प्रीमियम अकाउंट कराते हैं तो इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि डोर स्टेप बैंकिंग जो आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि कोई भी काम कराना हो तो 15 बजे में कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे और आपका जो कोई भी एजेंट आकर आपके घर पर आपको कोई भी काम करके चला जाएगा। उसके बाद फिर कैश डिपॉजिट ऐप्स में 2000 रुपये मेंटेन करके रखना होगा, जिससे कि इसमें कोई भी बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं, पैसा कम रहता है तो पैसा कटता है, तो ऐसे आप 2000 रुपये इसमें जो पैसा रखिएगा, उसके बाद इंटरेस्ट भी मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ कोई भी पोस्ट अकाउंट ऑलरेडी आपके पास RDFD है तो इसमें लिंक कर पाएंगे। यहाँ कैशबैक, कोई भी वर्चुअल डेबिट कार्ड से आप ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन, अपने ATM कार्ड के नंबर से कोई भी पैसा कटवाते हैं, ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं, तो आपको इसमें कैशबैक मिलेगा। उसके बाद यहाँ कैशबैक बिल पेमेंट मोबाइल रिचार्ज कोई भी करते हैं तभी आपको अपना जो कैशबैक मिलेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एप्लीकेशन से करेंगे तब। उसके बाद देख सकते हैं कैशबैक ऑन इशुएंस ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, कभी आपको कैशबैक के रूप में आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप जो जो लेन देन कीजिएगा तो कैशबैक के रूप में मिलता है। उसके बाद देख सकते हैं इसमें न्यू कस्टमर यूजिंग कस्टमर, यानी ऑलरेडी आपका जो जो पहले से रेगुलर सेविंग अकाउंट है तो आप अपना जो उससे कन्वर्ट करेंगे प्रीमियम सेविंग अकाउंट में तो 149 रुपये प्लस GST 175 रुपये आपको लगेगा। उसके बाद एनुअल रिन्यूअल सब्सक्रिप्शन, यानी साल में आपको 99 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, साल में आपको खाता से ऑटोमेटिकली कट जाएगा 99 रुपये आपको, आप जो प्रीमियम सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कराते हैं तब। आप यहाँ इंटरेस्ट देख सकते हैं 1,00,000 रुपये रखते हैं अपने अकाउंट में तो 2% में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 1,00,000 से ज़्यादा रखते हैं तो आपको 2.25% आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा क्वार्टरली। तो आपको इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था कि आपका जो प्रीमियम सेविंग अकाउंट क्या होता है, कैसे आपको कन्वर्ट करना होगा रेगुलर सेविंग अकाउंट से प्रीमियम सेविंग अकाउंट में। तो मैं इसे अभी तो नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हमें इतना पैसा अभी नहीं है, मैं इसे नहीं करना चाहता हूं प्रीमियम सेविंग अकाउंट में, इसे रेगुलर सेविंग अकाउंट ही रखने देता हूं। अगर आपको कराना हो कन्वर्ट रेगुलर सेविंग अकाउंट में तो आपको यहाँ कन्फर्म में क्लिक करके अपना पिन वगैरह डाल के अपना जो प्रीमियम सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको 15 बजे कॉल करके कस्टमर से बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इतना ही जानकारी देने वाला था कि रेगुलर सेविंग अकाउंट जो प्रीमियम सेविंग अकाउंट क्या होता है, अपना अकाउंट कैसे ऑपरेट कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट करें, उसका तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा।